हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लेटेक ट्यूटोरियल सीरीज के आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एल्गोरिदम्स को कैसे इंक्लूड किया जाए लेटेक डॉक्यूमेंट्स में। जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो हमारे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो टर्म पेपर हो, रिपोर्ट हो, थीसिस हो, या आपके क्या कहते हैं डिसर्टेशन रिपोर्ट्स हो, सो यू कैन यूज एल्गोरिदम्स टू डिफाइन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स व्हाट यू हैव डन सो एज टू फॉर द पर्पज ऑफ प्रपोजिंग समथिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग समथिंग दैट इज इन योर वर्क। ओके, तो एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंड एल्गोरिदम को इंक्लूड इसलिए करना चाहिए बिकॉज आप जो 3-4 पेजेस में किसी एल्गोरिदम को डिफाइन करते हैं या उसके उसके बारे में लिखते हैं, सो दैट कैन बी समराइज इन 9 to 10 स्टेप्स, और उसको देख के आपके रीडर्स जो है दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिथम एंड व्हाट इज द इनपुट एंड व्हाट इज द आउटपुट दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इंप्लीमेंटिंग द एल्गोरिथम। ओके, सो हम शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आप हमने जो है आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास लिया है, जैसे कि हम हर बार कर रहे हैं। सो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स जो मैं आपको यहाँ डिस्क्राइब करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप एल्गोरिदम्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने लेटेक डॉक्यूमेंट्स में। सो पहले हम टाइप वन की बात करते हैं। टाइप वन जो है वो एल्गोरिदम पैकेज का यूज करता है एंड ALG सीडो कोड, बिकॉज यू आर बेसिकली ट्राइंग टू राइट सम सीडो कोड। ओके, तो कुछ ऐसे फंक्शनैलिटीज होते हैं एंड कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं दैट यू आर गोइंग टू यूज टू राइट द एल्गोरिदम। तो वो जितने फंक्शनैलिटीज हैं वो ALG सीडो कोड या एल्गोरिदम पैकेज में है। सो यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप डिफरेंट लाइंस में डिफरेंट पैकेजेस को न डिफाइन करते हुए अगर सेम लाइन में करना चाहें तो उसके लिए बैकवर्ड स्लैश यूज पैकेज और विद इन कर्ली ब्रेसेस आप दोज नंबर ऑफ पैकेजेस को कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे एल्गोरिदम और ALG सूडो कोड पैकेजेस के लिए किया है। इसके बाद हम अपने डॉक्यूमेंट एनवायरमेंट में चलते हैं और यहाँ पे वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑल टुगेदर एंड एट द सेम टाइम सेपरेटली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे हम एल्गोरिदम लिखते हैं। सो फर्स्ट आपको एल्गोरिदम एनवायरमेंट को बिगिन करना होगा एंड डेफिनेटली व्हेन यू आर बिगिनिंग योर एल्गोरिदम एनवायरमेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सो स्लैश बिगिन एल्गोरिदम को नियरली ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर में उसने जो है हाईलाइट कर दिया बिकॉज यू हैव नॉट एंडेड द एल्गोरिदम एनवायरमेंट। ओके, सो आई हैव बिगन एंड एंडेड माई एल्गोरिदम एनवायरमेंट। आफ्टर दैट द सेकेंड स्टेटमेंट इज द कैप्शन। सो कैप्शन ये बताता है कि व्हाट दैट एल्गोरिदम इज। सो फॉर इंस्टेंस इफ यू आर राइटिंग दैट योर एल्गोरिदम इज गोइंग टू कुक राइस फॉर यू, सो यू आर गोइंग टू राइट ओवर हियर कि इन स्लैश कैप्शन यू कैन राइट कुकिंग द राइस। ओके, सो दैट विल स्पेसिफाई कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर एल्गोरिदम एंड देन लेबल सो दैट दिस एल्गोरिदम कैन बी रेफर्ड इन योर टेक्स्ट। यू कैन राइट लाइक एज शोन इन एल्गोरिदम and then slash refer, so you can directly refer this particular and I am जो भी मैंने पिछले videos में आपको सिखाया है वो सारी चीजों को मैं यहाँ पे use कर रहा हूँ, so that it will become a practice। आप इस बात का हमेशा ख्याल रखिए, this is an instruction or suggestion from my side that आप document को effectively तब बना सकते हैं LaTeX में जब आप उसके जो key terms हैं उसको use करें। जैसे कि अगर label आप use नहीं करेंगे तो कोई issue नहीं है, but you have to define separately that this is my algorithm 1, algorithm 2, okay, but if you know that there are two algorithms, so if you want to discuss something in your text, so you can just directly write algorithm slash reference algo 1 and slash reference algo 2, so it will be very much useful। आपको बार बार वहां जाके चेक नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा एल्गोरिदम को आपको जो है रेफर करना है। ओके, इसके बाद आता है that you need to define is your algorithmic environment under in which you are going to write basically all the statements concerned with the algorithm। okay, so algorithmic environment ko aapko end bhi karna hoga, fine। iske baad aap before starting our first few statements main aapko bata do ki jab bhi koi algorithm likha jata hai so we know ki usme kuch set of inputs hote hain कि आप क्या इनपुट्स दे रहे हैं उस एल्गोरिदम में और आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है। तो आप देख सकते हैं जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं एल्गोरिदम एनवायरनमेंट के अंदर विद यूज ऑफ एल्गोरिदम पैकेज, तो आप स्लैश कैपिटल एस स्टेट, बैकवर्ड स्लैश स्टेट लिखते हैं विद कैपिटल एस
और उसमें जो भी लिखते हैं एज इट इज आपको जो है एल्गोरिदम में मिलेगा, फाइन। इसके बाद आप आउटपुट दे, मैंने पहला स्टेटमेंट दिया है इनपुट एंड दूसरा आउटपुट इन बोल्ड लेटर सो दैट इट कैन इट विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर देयर। सो लेट्स कंपाइल एंड सी वंस की हाउ योर डॉक्यूमेंट अपियर्स। यू कैन सी कि आपका इनपुट आउटपुट यहाँ पे दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। नाउ यू सी आपने वन और टू कुछ भी नहीं लिखा है और आपका वन टू स्टेटमेंट रेडी है। सो एज यू गो फर्दर आपका नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे हाईलाइट होता रहेगा। ओके, सो योर एल्गोरिदम, सिंस दिस इज योर फर्स्ट एल्गोरिदम व्हाट यू आर राइटिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ऑटोमेटिकली फर्स्ट एल्गोरिदम एल्गोरिदम वन के नाम से आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट में प्रोड्यूस होकर आपको दिख रहा है। कैप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इट इज रिटन ओवर देयर हियर। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अगर प्रोसीजर डिफाइन करते हैं सो आपको स्लैश प्रोसीजर विद कैपिटल पी लिखना होता है एंड इन कर्ली ब्रेसेस व्हाट एवर इज द प्रोसीजर यू नीड टू स्पेसिफाई। ओके, एंड सिंस यू हैव स्टार्टेड यू हैव टू एंड द प्रोसीजर ऑल्सो। ओके, एंड देन लेट अस से दैट वी हैव रिटन टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स इन द प्रोसीजर, लेट्स कंपाइल एंड सी व्हाट हैपेंस। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग द स्टेटमेंट इट इज विद बैक स्लैश state with capital S, you can see आपका procedure मिल गया। even though you wrote collect underscore callback receive that is the name of the procedure in lower case at the time of editing your document, but when your document is produced ये capital में दिख रहा है, so this is the inbuilt functionality of your procedure, so your slash procedure keyword or फंक्शन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इंडेंटेशन ही प्रोड्यूस हो गया। इफ यू आर गोइंग फॉर अदर वर्ड और टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक यू कैन गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ऑल, वहाँ पे आपको टैब प्रेस करना पड़ता है अननेसेसरीली, यू आर बेसिकली ट्राइंग टू डू ऑल द थिंग्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर। तो मैंने अपने ट्यूटोरियल वन में मैंने यही बात बताई थी कि लेटेक की एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यू आर बेसिकली फोकसिंग ऑन द कंटेंट और सेपरेटिंग योर कंटेंट विद विजुअल अपीयरेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, आपका कंटेंट आप प्रिपेयर कीजिए और आपका जो विजुअल अपीयरेंस है दैट यू नीड नॉट टेक केयर ऑफ, वो इनबिल्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल। इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन मैंने आपको ट्यूटोरियल नंबर 6 में मैक्रोस बताया है, आप मैक्रोस का यूज करके उस वीडियो को देख लीजिए और उसमें मैक्रोस कैसे डिफाइन करते हैं आप उसको डिफाइन करके, एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन इंडेंटेशन एज एंड what as and when it is required. Okay, now for writing the if statement, if it is required in your algorithm as is in my case, you have to write slash if with capital I and whatever the if condition is you need to write in curly braces. So in your if statement, if the statement becomes true then the statement is going to be executed. And since you have opened, you have to close it also. Let's compile and see one by one. Okay. You can see your first if statement has appeared. If some condition, then automatically it appeared because you have used some keyword called slash if. The statement that needs to be executed and end if. So you can see the indentation again, and indentation is there. Okay. So this is the functionality. This is the a wonderful thing that you get when you are writing your algorithms in LaTeX. Second is if there is an else statement. Okay, so again for else statement we are including over here a for statement. For statement is also, it can be written with the use of slash for all and some condition and then some statement that needs to be executed. Okay, and herein you can write a comment saying that this is used for fetching the RSSI values. Okay, and then I will end my for statement by writing slash end for. Let's see what is the result that we get. Now you can see this is the first statement, if then else. If in case of else you are writing a for statement, and for each and every loop or decision statement you see that you are getting different indentations, so it gives you a wonderful opportunity to write properly. Okay, so let's uncomment other statements and run the full algorithm to get our final algorithm. So this is the final algorithm that you get
ओके एंड फाइनली यू आर एंडिंग द प्रोसीजर एंड योर एल्गोरिथम एंड्स. ओके सो दिस इज द टाइप वन मीन्स द फर्स्ट वे विथ विच यू कैन राइट द एल्गोरिथम. ओके सो द टाइप टू इज बाई इंक्लूडिंग द एल्गोरिदम इन. सो वी फर्स्ट इन टाइप वन वी वर इंक्लूडिंग द एल्गोरिदमिक एल्गोरिदम पैकेज. नाउ आई एम गोइंग टू इंक्लूड द एल्गोरिदमिक एक्स पैकेज. ओके वी आर गोइंग टू इंक्लूड एल्गोरिदमिक एक्स पैकेज अलॉन्ग साइड एल्गोरिदम बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट अवर एल्गोरिदमिक एल्गोरिदम इन साइड अवर एल्गोरिदम environment. Okay, now since algorithm is a different package, algorithmic x is a different package, ALG pseudo code is a different package, so there must be compatibility, otherwise it will show some error. So iske liye main kya karunga, ek naya package include karunga, that is called ALG compatible. So compatibility will be checked and they will become compatible with each other. Okay, let me comment this so that we can work on our type 2. So this here what you see is the type 2 algorithm. So in this again we are starting since algorithm package मैंने declare किया है अपना जो environment है वो algorithm environment रखा हूँ. मैंने बताया था अगर मेरा algorithm environment begin होगा तो end होगा. okay यहाँ algorithmic environment end हुआ है. so let's see मुझे लगता है कि ऊपर में कहीं पे start भी हुआ होगा. तो यहाँ caption मैंने दे दिया है, label मैंने दे दिया है. okay and मैंने algorithmic एनवायरमेंट को एंड किया था, ये यहाँ पे बिगिन हुआ है. नाउ यहाँ पे चेंज क्या आता है, मैंने वहाँ पे इनपुट और आउटपुट स्पेसिफाई किया था. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनपुट के लिए रिक्वायर देता हूँ, मतलब दीज आर द रिक्वायर्ड थिंग्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग माई इम्प्लीमेंटेशन. ओके एंड आउटपुट के लिए मैं देता हूँ इंश्योर मीन्स आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉट आई गेट एज एन आउटपुट इज द वॉट एवर द वेरिएबल्स इट इज स्पेसिफाइड एज पार्ट ऑफ योर इंश्योर. Okay, so let's run and see whether we are getting some result on compilation or not. Now you see, यहाँ आपको input output की जगह पे you are getting require and ensure. This is the first difference. Okay, then second difference we will see in a later point of time. So there are a list of statements. I already told you that if there are some statements, then you have to write it with the use of backward slash state where S is capital. Okay, so I have written a list of statements. Fine. And in this way, I have a list of statements ready with me. Okay. So you can see my algorithm. Now, the second difference is when you were writing the input and output in case of your algorithm package. So therein the input and output was also part of your sequence, like 1 2 3 4. Okay, so it started your input and output were also first and second statement. However, in normally the in algorithms we in the input and output cannot be specified as part of the sequence of steps. Okay, so here you can see that the require and ensure, that is our input and output basically. So they are not part of the sequence of steps. After that, the sequence of steps started. Okay. So I am not saying that you cannot write input and output, but generally and very suitably, you say that input and output cannot be said that as part of your sequence of steps in the algorithm. So that's why. But if you desire, I told you that type also, you can refer and use that type of algorithm also. Okay. Now, if you want to write an if statement, there is a difference. Herein you have to write slash if, but for slash if your all the letters in if means I and F all are in capital letters. Okay, so if statement and for else statement everything will be in capital letters. It was not in the case of your previous one. Okay, you can see that only the first means it was in init cap means first letter was in capital. Okay, herein it is not so. Okay, similarly if you want to write for condition, so that for that you have to write your slash capital for. Okay, let's compile and see what happens. You can see for your algorithm you got if condition, the statement being executed if that condition is true, else some other statement that is executed. And if we have not declared any procedure over here, so there will be no end procedure as such. Okay, so this is
another kind of algorithm. So what happens, sometimes we write algorithms mathematically, so for that I showed you type 1. Sometimes we write some algorithm as part of pseudocode. Pseudocode means sequence of steps only, that you execute this step, this step, this step, likewise. So this algorithm that I showed just now is of that kind only. Okay, now next important thing is, let's see whether you will see both the algorithms all together. Okay, so let's compile it. Why I showed you like this, because now we have two algorithms. The first is the type 1 algorithm and second is the type 2 algorithm, and now I want to show that since there are two algorithms, your algorithms are labeled automatically, algorithm 1 and algorithm 2. Okay, also in your first algorithm you have specified H as your option. Here is the option, and here also you have specified the option. If I want to specify as bottom, so I will specify B and then compile. So let's see what happens. So it is coming on the second page because of the size of the page itself. Okay, and I can also give it as top E. Let's see what happens. So it is coming because no other texts are there. It is coming at the top, but it is shown to be like that only. Okay, so this is all what I wanted to convey to you, to understand the algorithm package. Okay, and how to write algorithms. I showed you two different ways in which algorithms can be written. If you have any doubt, if you have any problem that you have encountered, because main aapko baar baar yahi batata hu ki kindly practice whatever I teach you. Okay, because without practice this never comes, and you cannot be able to debug the errors. Okay, so main jo aapko sikha raha hu ye maine pichle kuch saalon mein practice ki hai jo main aapko bata raha hu. Okay, I may be wrong somewhere, and I may be not teaching you some things. So जो चीजें आपको लगती है कि यहाँ छूट जा रही है, उसको आप मेरे वीडियोस के कमेंट्स में जरूर लिखें, so that I will teach you all those things reasonably and with more insights. Okay, so till then, thank you very much, have a nice day.